हेलो फ्रेंड्स, हियर आर मोहम्मद फरहान एंड यू वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लर्नर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है जेंडर नाउन पर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि हम अपनी अगली वीडियो जो है वो जेंडर नाउन पर बनाएंगे, और ये हमारे नाउन की लास्ट वीडियो है नाउन सीरीज की। आफ्टर दैट आवर नाउन विल बी क्लियर, हमारा नाउन क्लियर हो जाएगा। हमारे जो भी चीज़ें नाउन के अंदर थी हमने कवर अप कर ली हैं, टाइप्स, उसकी डेफिनेशंस, उसके यूजेस, उसकी जो है वो सिंगुलर प्लूरल, और आज जो हम जेंडर को भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर वीडियो। ठीक है, तुम्हारे बेसिकली चार जेंडर्स होते हैं नाउन के। ठीक है, नंबर वन पर कौन सा आता है? मैस्कुलाइन। सेकंड नंबर पर फेमिनाइन। थर्ड नंबर पर कॉमन जेंडर, एंड द लास्ट वन इज अ न्यूट्रल जेंडर। ये चार किस्म के जेंडर्स होते हैं नाउन के अंदर। तो हम नाउन के पहले जेंडर को डिस्कस करते हैं, वो क्या है? द मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन की डेफिनेशन इस तरह है कि नाउन टेलर्स अबाउट द मेल सेक्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलाइन जेंडर लाइक अ मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, इटीसी। अब जो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं ना, वो उन नाउन्स को कहते हैं जिनके अंदर मर्द की जिन्स पाई जाती है। मर्द की जिन्स मतलब उनमें से मेल क्वालिटीज़ शो होती हैं। ठीक है, जिस तरह से मैन तो बिल्कुल मेल हो गया। अब लॉयन का फीमेल कोई और होता है। ठीक है, लेकिन जो लॉयन होता है वो मेल जेंडर के अंदर आता है। हीरो, जिस तरह से हीरोइन होती है वो फीमेल जेंडर में आ जाती है, लेकिन हीरो किस में आता है? मेल जेंडर में आता है। बॉय, लड़का, और गर्ल, लड़की। लड़की फीमेल में आती है, बॉय मेल जेंडर में आ जाता है, मेल सेक्स में आ जाता है। किंग जो होता है वो मेल सेक्स होता है उसका। ठीक है, तो लेकिन जो उसकी किंग की जो रानी होती है, क्वीन होती है, वो किस में आ जाती है? फीमेल जेंडर में आ जाती है। तो ये होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जिनके अंदर मेल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बॉय हैज़ अ शीप नेम्ड स्काई। अब देखें, अब बॉय के पास एक शीप है, उसका नाम क्या रखा है इसने? स्काई। अब जो बॉय है ना, अब वो क्या है? मेल जेंडर के अंदर आ जाएगा। इसने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, द बॉय हैज़ अ शीप नेम्ड स्काई, ही ओन्स अ गुड फ्यू रेम्स। इसके पास और भी बहुत सारी रेम्स हैं, यानी कि अब रेम जो है ना, उन्होंने मेल शीप के लिए यूज़ किया गया है। जो मेल शीप होती है ना, भेड़ों में जो उनका मेल होता है, फीमेल और मेल हर किस्म में, हर एक जो है वो एनिमल्स में भी जो है वो प्लांट्स में भी, ह्यूमंस में भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। सेम एज अब भेड़ों में भी जो फीमेल और मेल का कॉन्सेप्ट है, जो मेल शीप होती है ना उसको राम कहते हैं, रेम या राम। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स अ फेमिनाइन। आपको देखिए, ये आइड साइड पे जो मेकअप का सामान देखे समझ आ गया होगा कि फेमिनाइन जो होती है वो मोस्टली लड़कियों की ही जेंडर होती है। नाउन दैट टेल अबाउट द फीमेल सेक्स बिलोंग टू द फेमिनाइन जेंडर लाइक अ वुमेन, काओ, हैन, गर्ल, क्वीन एंड एक्ट्रेस। अब जो जिस नाउन से औरतों की या फीमेल्स की क्वालिटीज रिप्रेजेंट हों, उनको हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। वुमेन तो औरत हो गई, काओ। अब काओ, ठीक है, अब इसे क्या दूध वगैरह देती है? ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस करती है। सो दिस इज अ फीमेल जेंडर। अब इसमें जो फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी, क्योंकि इसमें से फीमेल वाली क्वालिटीज होती हैं। सेम एज विद द हैन, गर्ल, क्वीन एंड एक्ट्रेस। एक्टर होता है जो मेल जेंडर होता है, एंड एक्ट्रेस इज अ फीमेल जेंडर। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स दैट आर द गर्ल इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। अब गर्ल जो है वो फीमेल जेंडर इसने रिप्रेजेंट किया गया है, इसको अंडरलाइन भी किया गया है। अब जो हॉर्स की फीमेल जेंडर होती है ना, हॉर्स तो होता है मेल जेंडर। अब जो हॉर्स की फीमेल जेंडर होती है उसको मेयर कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, द मेयर रन्स फास्ट एज शी कैन टू विन। तो अब इसमें मेयर जो रिप्रेजेंट किया गया ना, उसने उस जो फीमेल हॉर्स है ना उसको रिप्रेजेंट किया। नाउ मूव टू वर्ड्स द कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? कॉमन जेंडर रिफर टू द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन बी मेल और फीमेल। अब वो मेल भी हो सकता है, पॉसिबल है कि फीमेल भी हो जाए, यानी कि वो एक पर्टिकुलर नेम उस चीज़ को दे दिया जाता है जिसमें मेल भी आ जाते हैं, फीमेल्स भी आ जाती हैं। दिस कैन बी आइदर मेल और फीमेल लाइक टीचर। अब जिसकी एग्जाम्पल बेस्ट है टीचर। अब टीचर आइदर भी है मेल, आइदर भी है फीमेल, पॉसिबल है कि वो मेल भी हो जाए या फीमेल भी हो जाए। चाइल्ड, बच्चा, हो सकता है वो बच्चा जो है मेल हो या फीमेल हो। अब हमें बच्चा तो बच्चा होता है, ठीक है, उसको तो हमने अपने एक वर्ड के अंदर कह दिया कि ये छोटा बच्चा है। बच्चे में पॉसिबल है कि वो मेल हो या फीमेल हो, ही हो या शी हो। अब वर्कर, एम्प्लॉयर, जिस तरह से होते हैं एम्प्लॉयर्स के अंदर गर्ल्स भी होती हैं और जो है वो बॉयज़ भी काम कर रहे होते हैं। तो देर इज़ अ सिंगल वर्ड विच रिप्रेजेंटिंग बोथ जेंडर्स। अब कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों जेंडर्स को एक चीज़ के अंदर रिप्रेजेंट करें, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स के अब हमारे फ्रेंड्स बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी फ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, कजन्स के अंदर हमारी गर्ल्स भी कजन्स आ जाती हैं, हमारे बॉयज़ भी कजन्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं।
सो नाइबर्स ईटीसी वगैरह वगैरह, तो ये होते हैं हमारे कॉमन जनरल। लुक एट द एग्जाम्पल्स, आप समझ जाएंगे। अ टीचर डज नॉट हैव टू बी स्मार्ट। अब टीचर इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, टीचर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस ये हमारी कॉमन जनरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द डॉक्टर सीम्स अ टायर्ड एंड इन अ हरी। अब जो डॉक्टर है ना, वो पॉसिबल है कि मेल भी हो, पॉसिबल है कि फीमेल हो। देर इज नथिंग एनी थिंग विच रिप्रेजेंटिंग द डॉक्टर इज मेल और फीमेल। अब यहाँ पर कोई चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करवा रही कि डॉक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट हमारी जो है वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो होती है, इट्स वेरी एग्जाम्पल सिंपल। अब ऑब्जेक्ट्स देख लें साइड्स पे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। कहता है ऑन न्यूट्रल जेंडर मेलनेस एंड फीमेलनेस। और ना उसमें मेल जेंडर्स होती हैं ना फीमेल जेंडर्स होती हैं, डज नॉट अप्लाई, दोनों अप्लाई नहीं होती। दीज आर नाइदर मेल और फीमेल, लाइक अ बुक, टेबल, पेन, गोल्ड एंड स्कूल एंड रॉक। दीज आर यूजली नॉन लिविंग थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, इसी के अंदर वही आती हैं न्यूट्रल जेंडर के अंदर, क्योंकि उनकी कोई जेंडर नहीं होती। जिसकी एग्जाम्पल्स आपके जो है वो इस सामने स्क्रीन पर बनी हुई हैं, इधर पेंसिल है, बुक्स हैं, जो फुटबॉल सॉरी वॉलीबॉल है, और भी इसके अंदर हैट बनी हुई है, एप्पल बना हुआ है, कैलकुलेटर बना हुआ है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स बनी हुई है। ये सारी क्या हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और यही न्यूट्रल जेंडर के अंदर भी आती हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। अब द सीजर्स आर नॉट शार्प। अब सीजर्स जो है वो कैंची को कहते हैं। अब वो कहता है तेज़ नहीं है, तो अब ये सीजर जो है वो किसको यू करवा रही है, न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करवा रही है। द ग्लू डज नॉट एडहेर टू प्लास्टिक। अब ग्लू जो है ना वो क्या है, वो फीमेल सॉरी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स हमेशा किस में आ जाती हैं, न्यूट्रल जेंडर्स में आ जाती हैं। तो फ्रेंड दिस इज़ आवर टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू।